हेलो एवरीवन, मैं वंदना और स्वागत करती हूँ आप सबका वंदना टेरेस गार्डन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है सिनेरेरिया प्लांट के बारे में। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है सर्दियों का, और जिनके पास धूप बिल्कुल नहीं आती है, थोड़ी बहुत धूप आती है, या फिर जो लोग बालकनी में गार्डनिंग करते हैं उनके लिए ये प्लांट बहुत ही अच्छा है। वो आराम से लगा सकते हैं अपनी बालकनी में भी, और बहुत ही सुंदर फूल देने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक शेड लविंग प्लांट है, तो इसे धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और बल्कि उल्टे धूप में तो ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसके पत्ते भी ख़राब हो जाते हैं, करली करली से हो जाते हैं, और इसके फूल भी सूखने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये 1 से 2 घंटे सुबह की मॉर्निंग की धूप बस उतनी ही अगर मिल जाए तो उसमें ये बहुत ही अच्छा चलता रहता है। और अगर 1 घंटे की धूप भी नहीं मिल पाती है तो अगर जहाँ पर तेज़ रोशनी आती है वहाँ पर भी ये बहुत ही अच्छे फूल दे देता है। और फ्रेंड्स, इसे लगाने का टाइम होता है वही से सितंबर अक्टूबर से आप इसको बीजों से लगा सकते हैं। तो इसमें फूल होते हैं, जो फूल सूख जाते हैं तो उसके फूल फिर कलेक्ट करके आप रख सकते हैं, और उसमें धागे जैसे बीज बनते हैं, तो उन्हीं को आप जो है बीजों को कलेक्ट करके आप जो है सितंबर में बीज डालेंगे तो फिर आपके ये पौधे आराम से फूल देने के लिए दिसंबर जनवरी में तैयार हो जाएंगे। तो मैं तो ये 2 प्लांट लेकर के आई हूँ नर्सरी से। पिछले साल मैंने बीज से काफ़ी प्लांट बना लिए थे, पर इस साल मैं नहीं बना पाई क्योंकि किसी कारण से मैं निमंत्रण में चली गई थी, इस वजह से मैं बीज कलेक्ट नहीं कर पाई थी। तो इस साल मुझे प्लांट लेकर के आने पड़े। तो इसके फूल भी आप वैसे रख सकते हैं, जैसे गेंदे के फूल हम रख लेते हैं उसी तरह इसके फूल भी आप सूखे हुए फूल तोड़ करके जब रख लेंगे और उन्हें मिट्टी में डाल देंगे तब भी ये बहुत ही अच्छे प्लांट निकल आते हैं। उसी में बीज रहते हैं फूलों में, तो वो सारे ही निकल आते हैं। तो बीजों को आप लगाने के लिए सितंबर में लगाएं, और बीज कलेक्ट जब भी करना हो तो उसे आप मार्च या अप्रैल में इसके बीज कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अप्रैल तक बराबर फूल देता ही रहेगा। तो आप अगर सिनेरेरिया प्लांट को लगाना चाहते हैं तो नर्सरी में तैयार पौधे आराम से मिल जाते हैं, आप भी लेकर के आ सकते हैं। और प्लांट वही बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं, 20 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक के अंदर इसके प्लांट मिल जाते हैं। जैसे जैसे प्लांट का साइज होता है उस हिसाब से प्लांट का रेट बढ़ जाता है। तो छोटा पौधा लेंगे तो 20 रुपए का, बाकी जैसा आप इतना बड़ा प्लांट लेंगे उस हिसाब से इसका रेट होता है। तो इस तरह से प्लांट आप ला करके और उसी पॉट में भी रख सकते हैं, जिस अगर पॉट में लगे हुए मिलते हैं तो, और अगर पॉलीबैग भी मिलते हैं तो उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, और मैं भी रिपोर्ट करूंगी। उसके लिए देखिए इस तरह से आपको मिट्टी बनानी है, इसमें 25% आपको मिट्टी लेनी है और 25% रेत लेनी है, और 50% आपको इसमें खाद लेनी है। तो खाद की मात्रा बहुत ही ज़्यादा रखनी है, और 1 टीस्पून सरसों खली, 1 टीस्पून बोन मील, 1 टीस्पून नीम खली। तो ये सारी चीज़ें भी इसी में आपको मिक्स कर लेनी है, और साथ में ये धान की भूसी भी मैं मिलाती हूँ। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, पहले की पिछली वीडियो, तो उसमें मैंने ये मिट्टी बनाना बताया हुआ है कि किस तरह से मैं मिट्टी बना के ढेर सारी रख लेती हूँ अपने सभी सर्दियों के प्लांट के लिए, जिसमें खाद की मात्रा ज़्यादा होती है। तो मैंने इसको रिपोर्ट करने के लिए 8 इंच का गमला लिया है ये। तो 6 इंच या 8 इंच से ज़्यादा का बड़ा गमला लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने ही बड़े पॉट में बहुत ही अच्छा ये ग्रो होता है। तो देखिए इसमें मैंने थोड़ी सी यही मिट्टी डाल ली है, और धान की भूसी में फ्रेंड्स इसलिए मिलाती हूँ क्योंकि इससे ड्रेनेज बहुत ही अच्छा रहता है, पानी बिल्कुल भी मिट्टी में नहीं रुकता है। तो देखिए इस तरह से मैंने गमले से इसको बाहर निकाल लिया है रिपोर्ट करने के लिए। तो अगर हम थोड़ा सा जो नर्सरी में गमले मिलते हैं अगर उससे थोड़ा बड़ा गमला देते हैं और अच्छे से खाद वगैरह और भी डाल देते हैं तो इसमें फूल और भी बहुत ही अच्छे आते हैं। तो इसलिए मैंने भी इसे चेंज किया है। मैं अगर चेंज ना भी करती तो भी उसमें बहुत ही अच्छे चलते, पर अगर चेंज कर दिया है तो और भी ज़्यादा अच्छे फूल आएंगे, और बहुत ज़्यादा भर भर के इसमें बिल्कुल छतरी की तरह हो जाते हैं। जब फूल खिलते हैं तो लगता है जैसे कोई छतरी खिली हुई हो। तो इस तरह से इसको बीज सेंटर में हमें रखना है निकाल करके, और बस हम इसमें अगल बगल से इसमें थोड़ी मिट्टी डाल देंगे चारों तरफ से,
और फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा जड़ें नहीं जाती हैं। अगर आपको ऐसा गमला ना मिले और कोई आप सैलो गमला में भी चाहें तो उसमें भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इन दोनों प्लांट को रिपोर्टिंग कर ली है इसकी, और इसके बाद मैं अब हम इसमें कोई भी खाद नहीं देंगे। 15 दिन के बाद फिर हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे और उसी से काम चलता रहेगा, बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं है। और ये पता नहीं कौन से कलर का है, इसका कलर नहीं मालूम है मुझे फ्रेंड्स। तो इस तरह से कोई भी कलर लेकर के आएँ, बहुत से कलर में आता है ये। तो अब इसमें हम पानी दे देते हैं, तो बहुत सारे कलर आते हैं इसमें, ब्लू कलर में भी आता है, बहुत कलर्स होते हैं और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। तो पानी देने के बाद बस इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा, कि इसमें कभी भी पानी की कमी ना हो, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें नमी बनी रहनी चाहिए मिट्टी में हमेशा। तो जब भी हल्का सा मिट्टी सब सूखने लगे तो इसको आप तुरंत ही पानी दे दीजिए, और ना बहुत ज़्यादा पानी दीजिए कि बिल्कुल कीचड़ हो जाए पानी मिट्टी में। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे छाया में रखते हैं तो इसका पानी कम ही सूखता है। और बस इस तरह से अगर हम पौधे का ध्यान रखेंगे पानी का, तो ये पौधा हमारे पास बराबर ही खिलता रहेगा। अप्रैल मई तक में भी ये चल जाता है, कभी कभी मई तक भी चल जाता है, पर जब मई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब इस प्लांट को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सर्दियों का प्लांट है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से फिर ये सूखने लगता है। तो और इसमें तब तक कोई बीमारी नहीं आती है, अभी तो जब तक इसके फूलों का टाइम है तब तक तो इसमें कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, पर जब थोड़ा सा इसका सीजन आउट होगा, जैसे मार्च पे गर्मी बढ़ेगी, तब इसमें थोड़े बहुत पेस्ट का अटैक हो जाता है, इसके पत्तों में भी हो जाता है। और जब इसमें पेस्ट का अटैक हो तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो वो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। और इसमें एक बीमारी और आ जाती है, जैसे कि इसमें लीफ माइनर की प्रॉब्लम हो जाती है पत्तों में। तो जैसे कभी कभी कोई कीड़ा होता है वो पत्तों के अंदर ही अंदर चलने लगता है, वो पत्ते को धीरे धीरे ख़राब कर देता है। तो आप उसको पत्ते को अगर तोड़ करके फेंक देंगे तो उससे भी बच सकता है प्लांट, और जब आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो उससे भी ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब मार्च तक तो ये बहुत ही अच्छे फूल देगा, पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तब थोड़ा बहुत अगर पेस्ट का अटैक होता है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो ये प्लांट ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्लांट चलता रहेगा। तो बस देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं, और मई तक तो ये आराम से फूल देता ही रहेगा, अप्रैल मई तक। तो तब तक इन फूलों का मज़ा लीजिए, और अगर अभी तक आप नहीं लेकर के आए हैं तो लेके आइए फ्रेंड्स, तो बहुत ही सुंदर फूल है। तो फ्रेंड्स मुझे इस प्लांट के बारे में जो पता था मैंने वो आपको बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करिए। तो फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, और अपने पौधों का ढेर सारा ध्यान रखिए।